ठीक है, बाजे की आवाज बढ़ाओ भैया। देसी ठेका वाले और ये हमारे डांसर को खुश होकर के दे रहे हैं बार बार धन्यवाद। आज ही इनके नाम की ठेकेदार के नाम की ताली बजाओ एक बार जोर से। एक देसी बारे अब दूसरे ठेकेदार आएंगे साहब, अब की बीयर भाई आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भैया राय वालों के लिए। धन्य पकड़ के खींच लो। और कितना बढ़िया अभी नंबर आपको सुनाया राय वालों की तरफ से। मैंने पिछले नंबर पर एक गीत गाया था, जे कैसी बेहा भाई सबन को आंख, मैंने केवल आंख के लिए दर्शाया था अंकल जी, ये आंख मारती है। मैं तीन जगह तीन इंसानों को आंख से मरते हुए दिखाया। बिल्कुल दिखाया। समझ में आया कि नहीं आया भैया? जी हाँ। और ये भाई साहब जवाब में क्या कह रहे हैं? हाँ भैया थोड़ी सी पीछे शांति है भैया। ठेकेदार बातें बंद कर दो, बच्चे बनाना बंद कर दो। अब ये जवाब क्या लेकर के आ रहे हैं भाई साहब? क्या सगर के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि ने आंख से वसम किए थे, और मैं इस बात को गलत साबित करता हूं। कोई भी माई का लाल इस बात को साबित कर दे कि सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि ने अपने नेत्र से भस्म किए थे, वो तो जल छिड़क करके भस्म किए थे। जय हो, तुम गलत, तुम्हारी कविता गलत, बिल्कुल गलत जवाब तुम्हारा। और मैंने एक टुकड़ा गाया था आपके समक्ष में, धर्म करे धर्मात्मा और भक्ति करे वो महात्मा, और दया करे जो दीन पर उसे कहते पर महात्मा। और भाई साहब जवाब कितना बढ़िया आ रहा है, शुद्ध नहीं है अंतर आत्मा, वो आत्मा तो हमारी आई गई। वाह पकड़ा गया बेटी, पप्पू पास हो गया। जब अंतर शब्द हमारा काफी आ गया तो तुम क्यों घटा करके लाए अंतर, तुम कंतर क्यों नहीं गए? और देखो लेके आए तो बढ़िया लेके आए अंतर आत्मा, और सबके उसको कष्ट दिए उसकी दुष्ट थी आत्मा, फिर वो आत्मा आएगी। वाह भाई ये का जवाब है भैया तुम्हारा? बस गुई है
के बाबा पूरा ठेला है गुड़ को भेला है पीछे खिचड़ती भाई तू ठेली है बाबा पूरा ठेला है ओ चुर्री बारे बाबा पकला 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 बाबा पूरा ठेला है और जे हनी प्रीत की जेली है बाबा राम रहीम को चेला है ले खेले केला और तुम जा नंबर पे आदेश दे तो क्या बात को जवाब दे दो जा भैया बिल्कुल ना तो मैं हर बात का जवाब दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि धुन कैसे गपती है ये तेरी मेहरबानी और मैं जंगल का राजा तू महलों की रानी सुनना क्या गीत किस तरीका से गाया जाता है अरे जा लड़की आई नहीं बुलाई गई है ये लौंडिया लौंडिया लंदन से लाएंगे ये लड़की आई नहीं बुलाई गई है बहुत ऊंचा सा लड़काई गई है अरे नहीं मिलती ऐसे मॉडल के गाने वाली क्यों ये ऑर्डर देके बनवाई गई है मजा इस तरीका से आता है तुम्हारी तरह ना है कि पीछे लगाए तो ठेला है वारे वा। कोई बात नहीं बच्चे हैं जानकारी नहीं सीख जाएंगे बच्चे हाँ वो कहू रहे हो मेरा भैया अखिलेश भैया के भाई हमारे नए नए नकी मारे और के पुराने जय कौन सा पुराना दिख रहा बेटा चाचा की टक्कर ले ले देखे एक तो पहलवान हमारे मऊ नए हो अरे ज्ञाते आंख दे आंख मिला दे तो दारी पट्ट मार दे को तो हाँ तू जानते के पहलवान हो तो कैसे सही है कहना है भैया और ज्यादा ये ठला रही है इधर को देख दादी पुसी से बगेते हो नंद मेरा दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा तुम गलत बात गाते रहोगे मुकेश अच्छी बात गाता रहेगा मेरा दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा और मैडम मेरी जान मेरा ये नगमा तेरी हर बात से अच्छा होगा अगर लाइन बढ़िया लगे तो तालियां मेरा दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा और मेरा ये नगमा तेरी हर बात से अच्छा होगा और उठाकर देख लेना घूंघट तू अपनी डोली से मेरा ये जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा अच्छा होगा सुनेंगे नंबर की शुरुआत भैया ये पीछे ठेकेदार खड़ेगा जी का कह रहे माले में अरे यारो तुम अब के तो ऐसो ले आओ एक भैया ऐसो ले आओ पूरा खाड़िए कन्ना बैठा रहे डूरे ये तेरा खत्म मसालो है गयो आज तेरा जो भैया के मर जाएगी जब ताली बजाओगे कल्ला कल्ला के है कितना जोर लगाई रही है यार मेरे ओ जिन देवो खत्म मसालो सब है गयो कोई कछु लाए तुम्हारे पास हाँ भैया एक लाइन आ रही है इन राय बारे तो कह दो भैया कछु ना है तेरे पास और तू रसिया अरे तुम रसिया बाजी छोड़ के काऊ खेत में खोदो अब फिर अर्जुन कहने लगा है करण से के हे करण सुन हाँ अरे तेरे खून में भरी है ये तेरे खून में भैये और हमने दे
दुर्योधना राजू सोनू टिंकू तीनों मिलकर के
ये देसी ठेका वाले 101 रुपए देते हैं बार बार, धन्यवाद। हाँ सर, बाबा पे लंबो केला है। हाँ भैया लगे मजा ना लगे, बाबा पे लंबो केला है, बाबा पे पूरो भेला है। और देखो कितना बढ़िया लेके आए, ठेला है ठेला है। और जे हनी प्रीत की चेली है बाबा राम रहीम को चेला है। अब इनकी तो भक्ति बात ही, अब अच्छी बात भाई साहब सुनिए। अरे लड़े खिलाड़ी मैदान में, अरे लड़े खिलाड़ी मैदान में, खेल ये ऐसा खेला है। लड़े खिलाड़ी मैदान में, अरे लड़े खिलाड़ी मैदान में, खेल ये ऐसा खेला है। और काफिया दे काफिया लड़ जावे तो आप लोगों की ताली चाहूंगा। अरे खेल ये ऐसा खेला है। और अरे आज रात के रसियन में जाने किन के बंधे गौसेला है। आज रात के रसियन में जाने किन के बंधे गौसेला है। और मोए मालम के जालान में तो सबरे ताली बजाओगे किन के बंधे गौसेला है। और अरे जिला अलीगढ़ में देखो ये, अरे जिला अलीगढ़ में देखो ये, कोई बरौली गांव अलबेला है, कोई बरौली गांव अलबेला है, ये बरौली गांव अलबेला है। लड़ रो के ना लड़ रो भैया, तुम्हारी तरह मुकेश गाना नहीं गाएगा, एक एक बात लड़ा के तुम्हें दूंगा, इसी का नाम बड़ा बोलते। आप कह रहे हो कि हम तो नए नहीं, तुम कई बात के तो नहीं हो, काऊ को जवाब दे वो जानते ना हो तुम। अरे जिला अलीगढ़ में देखो कोई बरौली गांव अलबेला है। और यहाँ काय बजे थे रसिया होते हैं, गणेश बाबा को दरबार लगो, अगर लाइन बढ़िया लगे तो सभी भक्तों की तालियां होनी चाहिए। हमारे हाथरस में दाऊ जी महाराज को मेला लग रहा, लक्की मेला बहुआ कहते हैं। बिल्कुल, तो एक लाइन लिखी है गुरु जी ने, अरे बरौली गांव अलबेला है, लग रहे हो हाथ रस दाऊ को यहाँ लगो गणेश को। हाँ भैया लड़ो, चाचा कमेटी वाले हो, तुम्हारी तरह ना है, सूखाई सूख पेला है। मुकेश भैया जी कछु बनाए नहीं है, देखे गुरु बजेंद्र शर्मा के लटकाए, सूखाई सूखा पहला है। ये काए की नहीं की नून को रुक जा, एक बात हम कहेंगे जैसे कि चिपकनी कह रहे काए आदेश हो। गंगा जी में कितने उगधा न बीच तो कैसे पार उतर जाएंगे। गंगा जी में कितने उगधा न बीच कैसे पार उतर जाएंगे, मुहावरे से सजा हुआ है इस लाइन को, अरे कैसे पार उतर जाएंगे। अनेक भैया इतना के ताली बजाइयो, अरे कैसे पार उतर जाएंगे। अब ये गंगा इतनी नाई कर गई जो के पार भोदुआ। रुक जा बेटा, नहीं हवा महल में गाना कह रहे थे कि मैं सात सात की बात ला रहा हूं, कह रहे थे अरे सात बरस में उम्र में रखा नख पे वो गिरधारी, अरे सात बरस की उम्र में रखा नख पे वो गिरधारी। हाँ भैया समझ रहा, यहाँ पढ़े लिखे भी विराजमान है, सात बरस की उम्र में रखा नख पे वो गिरधारी, गिरधारी जे मुरली धर नद लाला जे गोवर्धन गिरधारी। ये मुरली धर पहलवान को सही काम करते तो एकदम टूट पड़ तो, अरे क्या लाइन पे टूटे टूटे तो क्या लाइन पे टूटे। ओए हाथ मत उठावे, अगर हाथ
हाथ खींच लो तो नहीं दूर खचेरे के ले जावेगा जी पहलवान हो सामान बहुत बड़ो जा तो अब भैया जवाब सुनना इन्होंने साथ साथ की बात कही हाँ जी बाबूजी चश्मा मारे हो इन्होंने सात की बात कही अब मैं आठ की गा रहा हूं गिनती देखना आठ योग कुंडली के भगवान कन्हैया का जब जन्म हुआ अरे आठ योग कुंडली के आठ भी संतान है आठ योग कुंडली के आठ भी संतान है आठ योग कुंडली के आठ भी संतान है और अगले से भैया अच्छी बात की तालियां देखना जनता के माध्यम से अरे आठ योग कुंडली के आठ भी संतान है और अरे भादों की रात आठ जन्मे भगवान भादों की रात आठे जन्मे भगवान है गीतम भैया लड़ रो ना लड़ रो देख आठ योग कुंडली के आठ संतान है भगवान कन्हैया भादों की रात आठे जन्मे भगवान है कि भादों की रात आठे जन्मे भगवान भगवान कन्हैया के अरे आठ पैर रहे आठ संगा आठ पैर रहे आठ सखा संग तेरे कृष्ण मुरारी आठ पैर रहे आठ सखा संग तेरे कृष्ण मुरारी और अगर लाइन बढ़िया लग जाए तो तालियां तेरे कृष्ण मुरारी और अरे जी गोकुल काम के ग्वाला जे गोकुल काम के ग्वाला जे वृंदावन बनवारी जे गोकुल काम के ग्वाला जे वृंदावन बनवारी अरे आठ पैर रहे आठ सका संग तेरे कृष्ण मुरारी आठ पैर रहे आठ सका संग तेरे गोकुल के ग्वाला देख अब गई में जवाब में घर से निकलते ही अरे कुछ दूर चलते ही अरे रास्ते में है उसका घर घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर कल सुबह देखा वो सुबह आठ पैर रहे आठ सका संग तेरे कृष्ण मुरारी उन्हें कहा हाथ उठा अरे जी को कुल काम के ग्वाला वृंदावन हाँ जी छंद मास्टर साहब एक बात का जवाब हुआ और जवाब वैसे ही ना है मोह बोल के मैंने धोने गाई ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए हाँ भैया सबरे बताओ मेरा जवाब धोने को आयो भैया कोई बिल्कुल नहीं आया फिर भी हम जवाब दे रहे हैं तुम कछु ना दे रहे तुम अपनो टाइम पास कर रहे हो हाँ आता ना जाता चिनाब चिन्ह छाता और तुम्हारे फौजी और फौजन को तो तुम्हें ऐसा जवाब दूंगा कि काऊ रसिया वाले के सामने गई हो पर जन्म जिंदगी में मुकेश के सामने लगाओगे या फौजी और फौजन है जवाब ऐसा मुकेश भैया जवाब ऐसा तुझे नींद ना आए या नींद आ जाए अरे जबरन होएगा महाभारत में अरे जबरन होएगा महाभारत में
किया इरादा। श्राप लगो तो ए भारो, अरे तेने गाय को बछड़ा मारो, अरे गऊ ने तीनों श्राप परारो तो से समय ना मिले पाए रहे हो है
ज्यादा सही है फौजी की बात। अब सुनो, तेरा फोन उठावे कौन, अरे पति बंदूक चलाए। माँ तुम्हें बताओ, माँ देश की सरहद पे माँ बंदूक चलाई जाते, बंदूक चलाई जाते। माँ तो बेटा बंदूक से काम ना चलती, माँ एक 47 बवार दे जाते पाकिस्तानी ने। देखे अमन जो कर रो है, जो करे कर रो, देखो जो जन कहा गया माथे में कीड़ा फीरा पड़े गए का। ऐसे मत करे बेटा, ऐसे मत करे। देख नेक चौचन ते हूँ, नेक मजा ले वो सीख बेटा। देख अब देश के बारे में ये कह रहे थे तो देश की चाल लान मेरी तरफ से। क्या बात है? देख अरे दान और महा चुपट गई।
जितो इंजेक्शन घुसवावे डेका ढोनो मारे इंजेक्शन घुसवावे डेका ढोनो मारे रही है जिकड़ी
भाई मैंने दोनों बातों के जवाब दिए, इन्होंने एक बात का जवाब दिया था। हाँ जी महाराज। अरे सायर तेरो टुकड़ा और की तू लड़ गयो, सायर तेरो सायर तेरो टुकड़ा की तू लड़ गयो। अरे अब तो तू राजी है जइयो, अरे कटो कटायो मोपे बचो एज टुकड़ा दे दू भैया दे दू। अरे कटो कटायो मोपे बचो ए टुकड़ा, और तू जाए धर कंधा पे और ये राकेश भैया ये 40 रुपए दिए हैं आशीर्वाद की कामना करेंगे। भाई ठेकेदार ये 60 रुपए दें, अभी आशीर्वाद की कामना करेंगे। हाजी मां साहब ना पीछे कर लो बेटा, क्या माइक ना भैया ना मंच पे आ जाओगे तुम, या दादाजी आ जाओ या आप आ जाओ, कोई से भी आ जाओ। हो भैया के नाम की जोरदार आप तालियां बजा दे, भैया के नाम क्या बात है, समझना गीत को। और राय वाले यूं मत कहना कि जो बहर चल रही थी एक एक नंबर पर होती है यहां पर बहर, अब गीतों को गाइए क्योंकि टाइम को देखते हुए। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं भैया पीछे वाले हो, भैया हो ठेकेदार हो, भैया योगी बाबा के ठेकेदार भैया। अनेक शांति बनाओ भाई साहब। भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, सुनो ने जैसे कि कितने बढ़िया सुनने सबरे जने। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं हो हो लगा हुआ है
लटका फटका पर आप जोरदार तालियां बजा रहे हो। अब देखूंगा कि अच्छी बात पर कौन कौन भाई यहां ताली बजाएंगे। एक दिन भगवान कन्हैया का मैं तुम्हें पक्ष दे रहा हूं भैया जी। अब गांधारी भगवान कन्हैया से कहने लगी है कितने मार्मिक शब्दों में, दादाजी क्या बात है, ये 100 पुत्रों की लाश देख कर और रोती है वो लाचार, ये 100 पुत्रों की लाश देख कर और रोती है वो लाचार, अरे रोती है लाचार। और मेरे संग में बोलियो, रोती है लाचार और ये गांधारी कहने लगी, और तुम सुन लो कृष्ण सुन ले ओ कृष्ण मुरा। तो गांधारी कहने लगी है कि हे कन्हैया, देखिए कितनी बढ़िया कविता मेरे किशन गुरु जी ने लिखी है। हर नारी को तुमने दिया, हर नारी को प्रभु तुमने दिया, वो ममता का अधिकार है ये जाने संसार है। हर नारी को तुमने दिया ये ममता का अधिकार है, ये जाने सब संसार है। अरे मेरे कन्हैया, इस बात को जाने सब संसार है। और ये लाइन ऐसी आएगी कि तुम धुआंधार ताली बजाओगे, ये जाने सब संसार है। मैं 100 पुत्रों की माता होके, 100 पुत्रों की माता होके आज किस पे लुटाऊं प्यार है, मेरी ममता नंद भवन जब आए। और मेरे संग में बलवैया, नंद भवन जब आए ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे जो कृष्ण भगवान का पद निभाए हुए उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार उधर से आया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे भैया। तड़पत छोड़ी तुमने देव की नंद भवन जब आए, रात दिना उसरी ममता ने आंसू खूब बहाए। और हे कन्हैया, तुमने तो मैया देवकी के गर्भ से जन्म लिया, मगर तुम तो फिर भी मिले लौट के, तुम तो अपनी माँ से लौट करके मिल गए। अब गांधारी कह रही है और देखो फिर ताली बजेगी, अरे तुम तो फिर भी मिले लौट के आज मैं किसका करूं इंतजार है, अरे मेरी ममता क्यों लाचार है, मेरी ममता क्यों। अगली लाइन में गांधारी कहने लगी है, बड़ी मेहनत की जाती है लिखने में भाई साहब। गांधारी कहने लगी है कि कन्हैया,
इस भारत में तुमने कन्हैया महाभारत रचवाया।